नेक्स्ट क्वेश्चन सुलेमान नियाज साहब की तरफ से है, सर हाउ इज इस्लाम बेटर देन अदर रिलीजन्स? सिर्फ एक वजह से ही बेटर है, मैं समझता हूं, जो सबसे बड़ी वजह है, बाकी तो सारी इसकी कोरोलरीज है, वो तौहीद है। मुझे इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे कोई और दीन ऐसा बताएं जो वननेस ऑफ गॉड में ट्रूली बिलीव करता हो, जिस तरह के हक है तौहीद का इस्लाम के सिवा। लेकिन बुक्स से, फॉलोअर से नहीं। फॉलोअर तो हमारे भी खराब हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, किसी और मजहब के फॉलोअर अच्छे भी हो सकते हैं। बुक्स से लेके चले तो आपको इस्लाम में, और फिर प्रैक्टिकली उसके बाद हम देखेंगे कि खुदा के नाम को दुनिया में कौन उस तरीके से लेके चल रहा है, तो आपको मुसलमान ही नजर आएंगे। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती तौहीद है, ठीक है जी, इसके एतबार से ये सबसे बेहतर है। बाकी आप रिसालत की तालीमात में तो आप फिर हजारों किताबें लिखी जा सकती हैं। बड़ी चीज है कि पहली चीज ये है कि इस प्लेनेट अर्थ पे हमें किसी क्रिएटर ने पुट किया है, वो हमसे क्या चाहता है, उस खुदा की क्या सिफात हैं, उस खुदा में ट्रूली बिलीव रखने वाले कौन से लोग हैं, वो आप जरा तलाश करें इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर। आज भी 1 बिलियन से ज्यादा, चले आप उसमें गुमराह लोगों को निकाल दें, तो मिलियंस में ऐसे लोग हैं जो ट्रूली उसी वननेस ऑफ गॉड को मानते हैं, जो आज से 1400 साल पहले हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी थी, और वो उनकी तालीमात वो हैं जो पहले इंसान से लेके अभी तक चलती आ रही हैं। हम नबी इस्लाम को पायनियर नहीं इस्लाम का मानते, बल्कि इस्लाम का पैगंबर मानते हैं, जिस तरह के आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर थे और हमारे नबी इस्लाम आखिरी पैगंबर है। इस्लाम जो है वो शुरू से मौजूद है, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम। तो हजरत ईसा इब्ने मरियम भी मुस्लिम थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मुस्लिम थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, नेक्स्ट।